हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सांदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। लास्ट वीक में हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो है उनके बारे में पढ़ा था। तो हमारा जो सेकंड जो नाउन का टाइप है, सॉरी थर्ड जो टाइप है, टाइप ऑफ नाउन्स हैं, वो है मस्कुलिन एंड फेमिनियन नाउन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मस्कुलिन एंड फेमिनियन नाउन क्या होते हैं। मस्कुलिन नाउन आर द नेम्स ऑफ मेल। मस्कुलिन नाउन जो होते हैं वो किसी मेल का नाम होते हैं। ठीक है, फेमिनियन नाउन्स आर द नेम्स ऑफ फीमेल्स। फेमिनियन नाउन जो होते हैं वो फीमेल्स के नाम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, वो पढ़ के हमें पता चलेगा कि फेमिनियन और मैस्कुलिन नाउन में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द नाउन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैस्कुलिन नाउन्स इज बॉय, फेमिनियन नाउन इज गर्ल। लॉयन इज मस्कुलिन नाउन, लॉयनेस इज फेमिनियन नाउन। फादर इज मस्कुलिन नाउन, मदर इज फेमिनियन नाउन। ब्रदर इज मस्कुलिन एंड सिस्टर इज फेमिनियन। तो जो सी के लिए यूज किया जाता है वर्ड, दैट इज फेमिनियन नाउन। एंड जो ही के लिए नाउन यूज किया जाता है वो जो है मस्कुलिन नाउन हुआ। ठीक है, तो आगे जब अभी जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है एक्चुअली, अभी हम जो कुछ एक्टिविटी करेंगे ना तो हम अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि एक्चुअली फेमिनियन और मस्कुलिन नाउन में डिफरेंस है क्या। ठीक है, बेसिकली मेल एंड फीमेल, मेल के लिए जो नाउन यूज करा जाता है ना वो मस्कुलिन होता है, और फीमेल के लिए जो नाउन यूज किया जाता है वो होता है फेमिनियन नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्टिविटी 5 दी गई है हमारी, तो उसके अंदर क्या दिया है, राइट एम फॉर मस्कुलिन नाउन एंड एफ फॉर फेमिनियन नाउन। तो चलिए देखते हैं, ये पिक्चर देख के हमें क्या पता चल रहा है, ये ही है कि सी है। तो हम देख पा रहे हैं जहाँ तक, ये जो है मुर्गा है, तो मुर्गे को क्या कहते हैं, कॉक। तो कॉक क्या हुआ, मुर्गा क्या हुआ, मस्कुलिन नाउन हुआ ना, मेल हुआ मुर्गा। तो हम यहाँ पे एम राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, फिर ये क्या है, हेन, हेन मीन्स मुर्गी। तो मुर्गी जो है क्या हुई, फेमिनियन, सी हुई ना, तो फेमिनियन नाउन, यहाँ पे एफ लिख दिया मैंने। अभी ये क्या है, गाय है, तो काऊ है, तो काऊ जो है ही है कि सी है, सी है। ठीक है, तो सी हुई, तो हम क्या राइट डाउन करेंगे यहाँ पे, फेमिनियन का क्या लिखेंगे, एफ। ठीक है, अभी ये क्या है, ये जो है भेसा है। ठीक है, बफेलो का मेल वर्जन, तो जिसको कि हम बुल कहते हैं। ठीक है, तो इस ये जो मेल वर्जन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मस्कुलिन नाउन हुआ, मस्कुलिन नाउन हुआ, तो हम यहाँ पे एम राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, इस जैसे मैंने बाकी के ऊपर के 4 आपको बताए हैं, सेम उसी तरह से आपको यहाँ से जो है रिकग्नाइज करना है कि किस, कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है, और उसको देख के आपको मेल एंड फीमेल को फाइंड आउट करके
फिर उसको जहाँ पे मेल है वहाँ पे आपको मस्कुलिन नाउन का एम लिखना है, और अगर जहाँ पे जो है फीमेल है वहाँ पे आपको फेमिनियन नाउन का एफ लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको आपका होमवर्क करना है। ये जो बाकी के चार जो है ये होमवर्क करने हैं आपको, और मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगी, तो उसके अंदर आप कर सकते हैं, उसके अंदर देख के आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। तो चलिए एक्टिविटी नंबर सिक्स देखते हैं। एक्टिविटी नंबर सिक्स जो है वो है क्लासरूम असाइनमेंट है। ठीक है, तो जब अपना स्कूल ओपन होगा ना तब हम क्लासरूम में करेंगे ये एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है सेवेंथ एक्टिविटी, अंडरलाइन द नाउंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस स्टार्ट वेदर दे आर। हमें जो है नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनके अंदर जो नाउन है उनको हमें अंडरलाइन करना है, और जो है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना उस चीज़ को हमें बताना है कि किस में कॉमन और प्रॉपर नाउन है, किस में सिंगुलर और प्लूरल नाउन है, और किस में जो है मैस्कुलिन एंड और फेमिनियन नाउन है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ जो है सेंटेंस रीड आउट करते हैं, तो उससे हमें डिफरेंस पता चलेगा। हिल्डा पास्ड बाय द ऑर्चर्ड वॉल। तो हिल्डा ने किसी बगीचे का जो वॉल है वो पास किया। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन क्या है, हिल्डा एंड ऑर्चर्ड वॉल, ये नाउन है। तो ये कौन सा नाउन है, दो चीज़ें नाउन है यहाँ पे। तो हिल्डा जो है वो किसी इंसान का नाम है, तो प्रॉपर नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन। ऑर्चर्ड वॉल, ऑर्चर्ड वॉल जो है किसी बगीचे का वॉल है, पर ऐसे हमें प्रॉपर नाम नहीं दिया है कि कौन सा बगीचा है, मतलब कौन सा गार्डन है, लाइक राम बाग है या फिर कोई अदर गार्डन, पर्टिकुलर जो गार्डन है उसका नाम नहीं दिया है हमें, तो हम इसको जो है प्रॉपर नाउन नहीं कह सकते। कोई किसी भी गार्डन की वॉल हो सकती है ये, तो इसको क्या है, कॉमन नाउन कहेंगे। कॉमन नाउन, ठीक है। सेकंड जो सेंटेंस है वो है माय पेपर स्क्रैप्स आर इन अ बिन। मेरी जो पेपर स्क्रैप्स हैं वो एक वो बिन में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो नाउन हैं, एक तो बिन है और एक पेपर स्क्रैप्स है। ठीक है, अब पेपर स्क्रैप्स क्या है, अगर स्क्रैप होता, अगर पेपर स्क्रैप होता तो सिंगुलर होता, पर स्क्रैप्स मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज हुआ है, बहुत सारे स्क्रैप्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल, प्लूरल नाउन। और बिन क्या हो गया, बिन एक ही है तो सिंगुलर नाउन। ठीक है, अब थर्ड जो सेंटेंस है वो है द टाइगर एंड टाइग्रेस लिव्ड टुगेदर हैप्पीली। जो टाइगर और टाइग्रेस जो है वो एक साथ जो है हैप्पीली रह रहे हैं। तो टाइगर, टाइगर जो क्या हुआ, मस्कुलिन नाउन, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ आपको, मस्कुलिन एम लिखा है मैंने मस्कुलिन का। यहाँ पे जो है टाइग्रेस जो है फेमिनियन हो गया, तो यहाँ पे एफ लिख देती हूँ मैं, फेमिनियन नाउन हो गया। यहाँ पे भी ये दो ही नाउन है, मस्कुलिन एंड फेमिनियन। फिर फोर्थ जो सेंटेंस है वो है द बर्ड कुड नॉट फाइंड बेरीज टू ईट।
तो बर्ड क्या हुआ, नाउन हुआ। कुड नॉट फाइंड बेरीज, क्या नहीं मिल रहा है उनको खाने के लिए, बेरीज नहीं मिल रही है, तो बेरीज ऑल्सो अ नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे बर्ड क्या हुआ, बर्ड किसी पर्टिकुलर बर्ड का नाम नहीं दिया है, ऐसे कौन सा बर्ड है जो है, बर्ड क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया, क्योंकि बर्ड एक ही दिया है, बहुत सारे बर्ड्स नहीं लिखा है, सिर्फ बर्ड लिखा है, तो कोई पक्षी है जिसको बेरीज नहीं मिल रही है। बेरीज मतलब बहुत, बेरीज मतलब मल्टीपल चीज़ें, तो प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस आपको बताया है, आगे के जो सेंटेंस है वो आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आपको जो है घर पे, आपको घर पे करने हैं वो सारे बाकी के चार जो सेंटेंस है, टोटल 8 सेंटेंसेस हैं, तो आपको बाकी के 4 सेंटेंस होमवर्क में करने हैं। देन आपका होम असाइनमेंट है, आपके सिलेबस में से जो सिलेबस बुक है ना, उसमें से कोई भी पोइम जो है आपको रीड आउट करनी है, और कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है उस पोइम को सपोर्ट करने के लिए अपनी नोटबुक में, और उसके अंदर आपको जो है उसमें जो वर्ड आते हैं उसके, उसमें आपको कॉमन नाउन, सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन जो है वो राइट डाउन करने हैं, उसके अंदर जो भी वर्ड